सुबह की चाय, सभी जानते हैं अगर गर्मा गर्म सुबह चाय से शुरुआत हो। कुछ लोग तो बेड टी के आदि होते हैं और कुछ लोगों की तो ऐसी आदत होती है कि सुबह में यदि उन्हें चाय न मिले तो प्रेशर ही नहीं बनता, पेट ही साफ नहीं होता। और सभी जानते हैं जिस दिन उनका पेट साफ नहीं होता सारा दिन कैसे बिगड़ सा जाता है, जिसे हम कह सकते हैं आनंद तो रफू चक्कर। और आज मैं आपको एक ऐसा होममेड चाय बनाने का आसान तरीका बताऊंगी, होममेड ग्रीन टी, जिससे कि आपको जो सब प्रॉब्लम चाय पीने के कारण, सभी लोग जानते हैं क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मैं कल्पना राठौर, एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर थेरेपिस्ट, डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन। एक कप चाय बनाने के लिए आपको सबसे पहले 1.5 कप पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच आपको सौंफ डाल देना है, चुटकी भर सौंठ पाउडर उसमें डाल दीजिए, यदि सौंठ पाउडर नहीं है तो थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा कुचल कर उसमें डाल दीजिए, 8 से 10 पुदीने के पत्ते उसमें डाल दीजिए, 5 से 7 तुलसी के पत्ते उसमें डाल दीजिए। इसके साथ ही साथ मीठा करना भी तो बहुत ही आवश्यक है, उसके लिए हमें 1 चम्मच उसके अंदर गुड़ डाल देना है। गुड़ आप देसी गुड़ ले लीजिए, हमेशा गुड़ लेते समय मैं बार बार यह बात दोहराती हूँ कि आप देसी गुड़ लीजिए, काले कलर का जो डार्क कलर का गुड़ होता है वह देसी गुड़ होता है, ऑर्गेनिक गुड़ मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। 1 चम्मच उसके अंदर गुड़ डाल दीजिए, इसे अच्छी तरह से उबालिए। और इसके साथ ही साथ उबालते समय इसमें 1 से 2 इलायची उसे भी अच्छी तरह कुचल कर उसे शामिल इस पानी में डाल दीजिए, उबलते पानी में। और फिर इसे छान कर चुस्कियाँ लेते हुए गरम गरम चाय का आनंद लीजिए। फिर देखिए आपको न गैस होगी, न ब्लॉटिंग होगी, न अपच होगा, भूख जो नहीं लग रही है वह समस्या पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। यदि आप इस चाय को सुबह उठ के सबसे पहले जो चाय पी रहे हैं, आपकी जो सुबह उठकर बेड टी की आदत है, उस चाय के जगह इस चाय को पीना स्टार्ट कर दीजिए, फिर देखिए कैसे मैजिकल रिजल्ट। हिंदू पद्धति में तो 4 दोस्त मिल गए और चाय न हो यह तो पॉसिबल ही नहीं है। घर पर 4 गेस्ट आ गए, सबसे पहले तो बात होती है चाय हो जाए, हमारी बातों को एक दूसरे को जैसे कि आदान प्रदान करने के लिए चाय ही हमारा माध्यम है। और यह जो ग्रीन टी आप इसे स्टार्ट कर दीजिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे पुदीना कहाँ से रोज रोज लाए, पुदीना आप मार्केट से लेकर आ जाइए, पत्तियाँ तोड़कर उसके पहले सूखा लीजिए, सूखे कपड़े में यानी कॉटन के कपड़े पर उसे अच्छी तरह सूखा लीजिए और एयर टाइट डिब्बे में भरकर फ्रीज में रख दीजिए, 8 से 10 दिन तक उन पत्तियों को कुछ नहीं होगा, वैसे के वैसे एकदम ग्रीन और ताज़ा रहती है। क्योंकि मैं स्वयं रख रही हूँ इसलिए आपको भी मैं यह बात शेयर कर रही हूँ, कितनी टेस्टी चाय बनेगी। और जब 4 दोस्तों को पिलाएंगे, 4 गेस्ट को पिलाएंगे और जब उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा वह भी यही स्टार्ट कर देंगे और आपसे ज़रूर एक सवाल करेंगे, कैसे बनाया है आपने इतनी शानदार टेस्टी मज़ेदार टी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, चैनल को यदि पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक और शेयर यह तो भाई आप पर डिपेंड करता है। फिर मिलेंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और ग्रीन टी का एंजॉय लेते हुए अपने सारे दिन को खुशहाल बनाइए। नमस्कार।